हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन टेस्टी कुकिंग बाय सोनिया। आज मैं बहुत ही इजी सी रेसिपी देने वाली हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बनाना ब्रेड विद लेयर चीज़। बहुत ही इजी रेसिपी है, मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताती जाऊँगी। हमने सबसे पहले एक इस तरीके का कोई बाउल ले लेना है, फिर हमने 1 एग ले लेना है, हाफ कप हमने शुगर ले लेनी है, वन थर्ड कप अपने योगर्ट ले लेनी है, आपने क्वार्टर कप आपने इसमें वन थर्ड आपने इसमें कोकोनट ऑयल ले लीजिए या वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए। हाफ टीस्पून हमने बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून हमने बेकिंग पाउडर का ले लेना है। यहाँ मैंने तीन, यहाँ दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ मैंने तीन बनाना लिए हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनाना थे। इस तरीके से आपने इसको मैश कर लेना है और हम ये डाल देंगे इसमें। और हमने हाफ टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून से भी कम आपने वनीला एक्सट्रैक्ट ले लेना है और फ्लेवर के लिए हमने इसमें सिनेमन पाउडर डालना है। तो अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं जस्ट फ्लेवर के लिए, जस्ट मैंने आपको बता रही हूँ। और इन इंग्रेडिएंट्स को हम मिला देंगे अच्छे से। ये आपने इस तरीके से अच्छे से मिला लेना है इसको। अब हमने इसमें सॉल्ट डालना है हाफ टी स्पून, हाफ टेबल स्पून, और हमने इसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालना है जस्ट फ्लेवर के लिए। और इसको आप अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद हमने अब आपने एक बाउल ले लेना इस तरीके से। हमने यहाँ पे क्रीम चीज़ ली है, आपने 4 औंस क्रीम चीज़ ले लेनी है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर 1/4 हमने इसमें शुगर डाल देनी है, आप वाइट शुगर डाल लीजिए या पिसी हुई डाल लीजिए, वो आपकी मर्जी है। फिर हमने इसको अच्छे से इसको मैश कर लेना है। ये देखिए, यहाँ मैंने इसको इस तरीके से मैश कर ली है, आपने अच्छे से मिला लेना है इसे। फिर इसके बाद आपने 1 इसमें एग डालना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। फिर इसके बाद हमने 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऑल पर्पस फ्लावर डाल देना है, मैदा, और इसको अच्छे से हम फिर दोबारा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने इसको साइड पे रख देना है, आपने ओवन को प्री हीटेड कर लेना है 350 पर। इसको 50 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। आपने इस तरीके का कोई मोल्ड ले लेना है, उसमें आपने ऑयल या बटर लगा लीजिए।
जो हमने ये बैटर बनाया है ये बैटर हम इसमें डालेंगे। और हमने एक लेयर इसकी चीज़ की डाल देनी है। ये डालने के बाद फिर हमने इसको ऊपर से कोटिंग करनी है, इसको अच्छे से कवर कर देना है। ये देखिए यहाँ मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया। आपने एक लेयर लगानी है, बनाने का बैटर बनाया था हमने वो एक लेयर लगानी है, फिर हमने क्रीम चीज़ की लेयर लगानी है, फिर उसके ऊपर फिर बनाना बैटर लगाना है, फिर उसके बाद हमने इस तरीके से इसको हमने कोई अगर आपके पास कोई टाइमर है तो आप टाइमर सेट कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से हमने 50 मिनट में इसको सेट कर देना है। और अब मैं इसको ओवन के अंदर रखने लगी हूँ, 50 मिनट बाद हम इसको निकाल के देखेंगे। अगर ये नहीं बना तो हमें इसको टेस्ट करना होगा। आप कोई भी नाइफ़ या कोई टूथपिक ले लीजिए, उसको आप अगर डिप करेंगे, अगर उसमें बैटर 50 मिनट के बाद भी अगर बैटर निकल रहा है, उसमें आ रहा है जैसे, तो दैट मीन्स नहीं बना। 45 मिनट भी लग जाते हैं इसे, 50 मिनट भी लग जाते हैं। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं और बेक कर सकते हैं घर के अंदर ही। तो अब मैं इसको लगाने लगी हूँ ओवन में, फिर मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ मैंने इसको ओवन से निकाल लिया है और ठंडा कर लिया है। और इस तरीके से आपने इसकी स्लाइस काट लेनी है। ये देखिए जो हमने चीज़ डाली थी, बहुत लेयर लगाई थी चीज़ की एक, वो साफ दिख रही है इसमें। तो आपने इस तरीके से इसको स्लाइस काट लेनी है और आपने टेस्ट करना है जब इसे, तो आपने इसमें नाइफ डालना है। नाइफ क्लीन आया, दैट मीन्स ये बन चुका है। मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ स्लाइस। ये देखिए आप जितनी भी स्लाइस काटेंगे आप अपने मुताबिक काट लीजिए। छोटी स्लाइस काटनी है या उसको थोड़ी मोटी काटनी है तो वो आप अपने हिसाब से काट लीजिए। बच्चों को बना के दीजिए, बहुत ही इजी सी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। कॉफ़ी के साथ आप इसे सर्व कीजिए या चाय के साथ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जहाँ हमने फर्स्ट स्टेप शुरू किया था तो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर सभी इंग्रेडिएंट्स एक बाउल के अंदर डाले थे। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, हमने लास्ट में फिर हमने 1 कप मैदा का डाला था, ऑल पर्पज़ फ्लावर, वो आपने डालना है। फिर उसके बाद आपने मिक्सिंग करनी है बनाना डाल के। फिर हमने सेकंड स्टेप बनाया था, हमने क्रीम चीज़ की हमने ये बैटर बनाया था, फिर उसके बाद हमने इसमें बेकिंग की थी। तो बेकिंग करने के बाद ये आपके सामने है, आप इसे बनाएं और खाएं, इंजॉय करें। बहुत टेस्टी सी रेसिपी है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको अब एक नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।